भाई मैं फोन आज इस नमस्कार व्यूअर्स, ऐना के रसोई घर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, सामने टॉय ट्रेन टनल नंबर 33 से चली आ रही है। ये टनल 1114 मीटर लंबी है, यानी 1 किलोमीटर से थोड़ी ज़्यादा है और बिल्कुल सीधी टनल है। और ये 1900 में शुरू किया गया था इस टनल को, 1900। ये टनल, ये जो स्टेशन है, ये हॉन्टेड प्लेस के नाम से 10 स्टेशन में से शायद 3rd नंबर पर है। बट यहाँ 15 साल से मैं आ रही हूँ, मैंने ऐसी कोई भी पैरानॉर्मल एक्टिविटी या नहीं देखी। और ये बहुत खूबसूरत स्टेशन है, तो मैं आपको इसके हॉन्टेड होने की स्टोरी नहीं बताने जा रही हूँ, मैं आपको यहाँ का ब्यूटिफिकेशन बताने जा रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं व्लॉग। ये है बरोक टनल, जो कि 1 किलोमीटर लंबी है। बाकी इस पे सारी इसके बारे में डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, कब बनाई गई और क्यों बनाई गई। और ये है वो बरोक टनल, ये 1 किलोमीटर से थोड़ी सी ज़्यादा है। और क्योंकि अभी यहाँ से ट्रेन होकर गई है, तो लास्ट एंड दिखाई नहीं दे रहा है, अंदर धुआं हो जाता है जिसकी वजह से वो दिखाई नहीं देता है। बाकी मैं एक बार आपको यहाँ का व्यू दे देती हूँ कि ये एक पहाड़ है और इसके साथ ही बसा हुआ है यहाँ पर बरोक स्टेशन। ये यहाँ पर ये टिकट काउंटर है और ये बिल्कुल पुराने समय का बना हुआ है, जब जैसा अंग्रेज बनाकर गए थे उसी तरह का, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है। तो ये यहाँ पर ये है, ये यहाँ के अधिकारीगण खड़े हुए हैं और ये बहुत भव्य और ब्यूटीफुल है। मैं आपको दूर से एक बार पूरा दिखा देती हूँ। यहाँ के एम्बियंस को छेड़ा नहीं गया है। इस स्टेशन का जो ब्यूटिफिकेशन है वो बिल्कुल नेचुरल है, और अगर बाहर से टूरिस्ट आते हैं तो उन्हें ये बहुत बहुत अच्छा लगता है। बिल्कुल नेचुरल सराउंडिंग है, यहाँ पर पानी भी आपको मिनरल लेने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ का आपको नेचुरल मिनरल वाटर मिल जाएगा। तो ये इनका ये ऑफिस है जैसा आप देख रहे हैं, ये ऑफिस के सामने ही समय सारणी लगी हुई है, यानी टाइम टेबल है। और यहाँ गिनी चुनी ट्रेन है जो शिमला तक जाती हैं। और ये जो स्टेशन है, यहाँ पर 8 मिनट का स्टॉपेज है, तो यहाँ पर टूरिस्ट उतर के काफ़ी इंजॉय कर लेते हैं, बाकी कुछ यहाँ रुक भी जाते हैं। यहाँ पर जो फूल पौधे हैं बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल के हैं, जैसा कि हिमाचल में पाए जाते हैं। और ये सिटिंग एरिया है, ये यहाँ पर आगे जाने पर एक पुरानी बरोक टनल है। अगर आप कभी साइट पे सर्च करेंगे तो पाएंगे कि एक हॉन्टेड टनल के नाम से फेमस है। तो ये वही स्पेस है जिसे लोग हॉन्टेड कहते हैं, लेकिन वो जो पुरानी टनल है वो एक्चुअल में हॉन्टेड मान जाती है, लेकिन उसके भी पक्के सबूत नहीं है कि वो हॉन्टेड है या नहीं। और ये जैसे ऊपर हॉलीडे होम लिखा हुआ है, यहाँ पर अगर कोई आता है तो ये किचन भी मिल जाती है और बर्तन भी होते हैं, आप अपना पकाना चाहें, मतलब कुकिंग करके कुछ करना चाहें तो कर सकते हैं। ये जो स्टेशन है, ये उसके साथ अगर आप ट्रैकिंग करने जाएं तो यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ, एक मिनट। ये यहाँ से पुरानी बरोक सुरंग के लिए रास्ता है, जो यहाँ सीढ़ियाँ बनी है उससे होते हुए ऊपर जाता है, करीब 2 किलोमीटर दूर है, लेकिन सर्च करना पड़ता है वहाँ पे, क्योंकि ट्रैक वैसे बना हुआ नहीं है। और आप ये देख रहे हैं, यहाँ पर ये परनाला है, बरसाती नाले की तरह, जो कि काफ़ी दूर से पानी आ रहा है। ये सामने कॉटेज बने हुए हैं और ये बिल्कुल पुराने स्टाइल के हैं, लकड़ी के बने हुए हैं। यहाँ पर आज भी पंखे वगैरह नहीं हैं, क्योंकि यहाँ का जो एटमॉस्फेयर है वो काफ़ी ठंडा है और ज़रूरत नहीं है यहाँ पंखे वगैरह की।
यहाँ ये टूरिस्ट के लिए सिटिंग एरिया है जो कि अलग से बनाया गया है, और शाम के समय यहाँ वाकई काफ़ी अच्छा एटमॉस्फेयर हो जाता है, हवाएं अच्छी खासी चलती हैं, और अभी कल बारिश हुई है तो काफ़ी और अच्छा हो गया, ठंड ठंड बहुत ज़्यादा हो गई है। ये देखिए दूर से मैं दिखाती हूँ बरोक टनल, अगर दूसरा सिरा अभी भी नहीं दिख रहा है, नहीं तो यहाँ से केवल एक डॉट नज़र आता है। ये यहाँ से ऊपर की तरफ हम जाएंगे तो ये वे है ऊपर जाने के लिए। यहाँ पर एक छोटा सा फाउंटेन लगा हुआ है, और यहाँ पर आप जो देखेंगे ना वेजिटेशन यहाँ का बाकी काफ़ी बहुत बहुत अच्छा है। ये इस तरह से ऊपर जाते हुए यहाँ हमेशा बर्ड्स की आवाजें आती रहती हैं। ये यहाँ पर ये रूम्स हैं जो कि वुडन है, छत पे आप देखेंगे स्लोपिंग है, और ये सारा यहाँ की जो स्ट्रक्चर वगैरह इसको छेड़ा नहीं गया है, ये जिस तरह से अंग्रेजों ने बनाया था उसी तरह का है ये। आगे तक यही है, और आप अपने रूम के बाहर से अगर देखते हैं तो बिल्कुल नेचुरल है। यहाँ पर एक रेस्टोरेंट भी है, उसका जो एम्बियंस है वो भी मैं आपको एक बार शो कर देती हूँ। आप यहाँ से देखेंगे तो अगर आपने यहाँ रूम लिया तो आप जब ट्रेन आएगी तो ठीक आपके सामने होगी। यहाँ पर एक छोले भटूरे वाले, आगे जो ट्रेन आने वाली है उसकी तैयारी हो रही है, यहाँ से उनको खाना वगैरह यहीं से लंच वगैरह सर्व किया जाता है, ब्रेकफास्ट। बेस्ट तो ये यहाँ पर जो है विंडोज हैं जो कि पुराने समय की ही बनी हुई है। चलिए अब नीचे जाते हुए मैं आपको बाकी का पूरा प्लेटफॉर्म शो करती हूँ। ये हम दूसरी तरफ से उतर रहे हैं, यहाँ स्टेयर्स हैं ये, और ये है आपका ब्यूटीफुल स्टेशन बरोक। अभी ट्रेन के आने का टाइम है इसीलिए भैया जी लगे हुए हैं, उनकी तैयारी कर रहे हैं। ये हम रेस्टोरेंट में थे, उसका पार्ट है। यहाँ पर ये कुछ स्टॉल्स हैं जो केवल अभी खुली हैं, और जैसे ही ट्रेन यहाँ से चली जाएगी, ये वेट करें, ट्रेन चली जाएगी तो ये सब बंद हो जाएगा। अगर आप यहाँ आते हैं तो इस चीज़ का खास ध्यान रखना होगा कि समय से आप अपना रिफ्रेशमेंट वगैरह जो लेना है ले लें, क्योंकि उसके बाद यहाँ कोई नहीं होता, क्योंकि काफ़ी समय बाद ट्रेन आएगी तभी ये लोग दोबारा आ जाते हैं, तो इस चीज़ आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं? हाँ आज जा रहे हैं। गुड मॉर्निंग बेटा, ठीक हो? ये आप देख रहे हैं, ये स्टेशन के मैं लास्ट में आ गई हूँ, और यहाँ पर मैं दिखाऊँ, यहाँ पर एक बैडमिंटन कोर्ट भी है, ये बैडमिंटन कोर्ट है। अगर आप यहाँ रेस्ट कर रहे हैं, आ रहे हैं दो चार दिन के लिए, तो आप अपने साथ बैडमिंटन वगैरह भी ला सकते हैं, बाकी पूछने पे हो सकता है यहाँ अवेलेबल हो। ये यहाँ पर ऊपर पहाड़, ये मैं आपको इस तरफ से भी एक बार स्टेशन दिखा देती हूँ। ये वो जगह है, आप जिस एंगल से देखोगे आपको नई नजर आएगी।
ये इस तरफ से है टनल के अपोजिट साइड में। यहाँ पर जब टूरिस्ट आके रुकते हैं तो यहाँ बहुत ज़्यादा लोग नहीं होते, अक्सर भीड़ नहीं होती है, तो बिल्कुल होमली एटमॉस्फेयर रहता है। दो चार फैमिली होती हैं अगर हुई भी तो, नहीं तो सब शिमला रुकते हैं, यहाँ कम ही रुकते हैं। लेकिन जिन्हें बहुत लोनलीनेस पसंद है और इस तरह का एम्बियंस पसंद है तो वहाँ रुकना ज़रूर पसंद करते हैं। ये बड़ोग स्टेशन कालका और शिमला के ठीक सेंटर में है। यहाँ पर 8 मिनट बस रुकती है, ट्रेन रुकती है, और यहाँ पर उनको रिफ्रेशमेंट वगैरह यहीं से दी जाती है, ब्रेकफास्ट वगैरह। लंच टाइम है तो लंच। चलिए व्यूअर्स, आई होप आपको ये मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा, तो आप प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ओके बाय।